नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन MK पर। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे PGI चंडीगढ़ के BSc पैरामेडिकल कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके रिलीज हो चुके हैं। तो कौन से कोर्सेज हैं, कितनी सीटें हैं और कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और तीन कोर्सेज आपको ऐसे बताएंगे आपको इस वीडियो में जिसमें जो अदर स्ट्रीम्स हैं नॉन मेडिकल आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस मेडिकल कोर्सेज़ में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सारी डिटेल्स, कब आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, कब तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी जानकारियाँ आगे इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म आज 1 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की और फी डिपॉजिट की वो आपकी 2 जुलाई 2021 है। और जो कोर्सेज़ आपके अवेलेबल हैं इसके अंदर वो हम आपको बता देते हैं और सीटें बता देते हैं। सबसे पहले बैचलर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए 4 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स होता है आपकी। टोटल इसकी 18 सीटें, कैटेगरी वाइज सीटें आपको आपकी स्क्रीन पर दे रखी हैं। उसके बाद BSc मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की आपकी 12 सीटें हैं और इसमें जो आपकी सीटें हैं वो मेडिकल स्टूडेंट के लिए सिर्फ मेडिकल जो स्ट्रीम में 10+2 में जिन स्टूडेंट के वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इन सभी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। PGI चंडीगढ़ में आपकी स्टेट डोमिसाइल की कोई भी वैसे आपकी रेगुलेशन नहीं है। किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और एंट्रेंस टेस्ट है वो दे सकते हैं। उसके बाद BSc रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी की 3.5 ईयर्स का कोर्स है आपकी। टोटल 8 सीटें हैं, कैटेगरी वाइज आपको आगे दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। फिर आपकी BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसमें भी आपकी जो टोटल सीटें हैं वो 2 सीटें हैं। उसके बाद आपकी BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी जो आपकी प्रोफेशनलिस्ट की है उसकी 3 सीटें हैं, ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट है और विदाउट स्टाइफंड है। उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस इन मोर्चरी साइंस, ये आपका मेडिकल स्टूडेंट के लिए 3 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स है जिसमें टोटल 6 सीटें हैं। उसके बाद BASLP, इसकी आपकी 8 सीटें कैटेगरी वाइज आपको आगे दे रखी है। 4 सीटें जनरल की है, 2 सीटें आपकी OBC की है, 1 SC की, 1 ST की है। और उसके बाद BSc MLT की आपकी डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी की भी 4 सीटें हैं। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री की भी 10 सीटें हैं। BPT की आपकी मेडिकल स्टूडेंट के लिए जो कोर्स है उसकी 15 सीटें हैं। 4.5 ईयर्स का आपका ये कोर्स है। और उसके बाद BPH, ये कोर्स कोई भी स्टूडेंट कर सकता है 10+2 में, उसके पास कोई भी स्ट्रीम हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से अगर बिलोंग करते हैं और BPH करना चाहते हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 4 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स है आपका ये, 15 इसमें टोटल सीटें हैं। उसके बाद बैचलर ऑफ एनिमेशन एंड ऑडियो विजुअल क्रिएशन, ये कोर्स भी आप 10+2 से अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से 10+2 कर रखी है तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसकी भी 10 सीटें हैं। तो टोटल 111 सीटें हैं आपकी BSc पैरामेडिकल कोर्सेज की PGI चंडीगढ़ में। और कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार से ये कैटेगरी वाइज सीटें भी आपको सभी कोर्सेज की दे रखी है। जो 2 कोर्सेज थे आपके जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है उसमें ये लास्ट 11 और 12 नंबर पे जो आपके कोर्सेज हैं इसमें कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है 10+2 पास, किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करता हो। उसके बाद जो आपके एंट्रेंस टेस्ट की डेट है वो 10 अगस्त 2021 है। और जो टेंटेटिव विंडो है आपकी कोई भी अपडेट करने के लिए अगर आपका कोई एरर हो जाता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त, वो 4 जुलाई से 6 जुलाई के बीच होगी। 2 जुलाई को आपके एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाएंगे और जो डेट है आपकी रिजल्ट रिलीज होने की वो 17 अगस्त है। तो 10 अगस्त को आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा BSc पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए PGI चंडीगढ़ का। BSc नर्सिंग का आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो आपका 31 जुलाई को होगा PGI चंडीगढ़ का। BSc नर्सिंग के लिए एंट्रेंस टेस्ट जो आपका एडमिशन के लिए होता है। उसके बाद जो फर्स्ट काउंसलिंग वो आपकी टेंटेटिव डेट 24 अगस्त है। 24 अगस्त को आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी BSc पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए PGI चंडीगढ़ की। तो इस प्रकार से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सभी प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है और सभी स्टूडेंट के साथ इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो किए कर लीजिए हमें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यही सारी जानकारियाँ थी आपके लिए दोस्तों। प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।